हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमजद अली एंड आप पढ़ रहे हो एमएस वर्ड की सीरीज़ से। आज हमारा होगा फोर्थ लेक्चर, ठीक है। तो आज के हमारे फोर्थ लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब ऑफ एमएस वर्ड। तो हम पहले ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड को। यहाँ पे आके आपको लिखना है विन वर्ड, एंटर करते हैं। ओके जी, तो अब आपके पास जो आज हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंसर्ट टैब से। तो आप आके इंसर्ट टैब पे क्लिक करें और इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स के अंदर कुछ मेन्यूज हैं जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इंसर्ट टैब के इस रिबन के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कवर पेज। तो एक्चुअली आप कवर पेज क्यों यूज़ करते हो? तो हम आपके पास सपोज कोई डेटा है, आप उसको कोई एक टेम्पलेट प्रोवाइड करना चाह रहे हो। अब वो टेम्पलेट करता क्या है? वो टेम्पलेट एक्चुअली आपका जो ऑलरेडी बना हुआ टेक्स्ट है ना, अगर आप उसको अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट सेट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आके कोई भी कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आप चाहते हो कि कवर पेज आप डायरेक्ट इंसर्ट कर दो या उसके अकॉर्डिंग आपकी ये सारी चीज़ें सेट हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा देखें, ये आपके पास ऑलरेडी कुछ बने हुए कवर पेजेस हैं, अगर आप उनको यूज़ करना चाह रहे हो तो हम कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, ये सारे टेम्पलेट ऑलरेडी आपको एमएस वर्ड बना के प्रोवाइड कर रहा है। आप यहाँ से आके किसी भी टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करें और आप अपना डेटा सिर्फ प्रोवाइड कर लें। जैसे हमारे पास ये बना हुआ एक कवर पेज है, इसके ऊपर आके आप ईयर प्रोवाइड कर दें, जो भी है। वैसे आप अपनी कंपनी का नाम लिख दें, सपोज टैग अपना नाम लिख दें, डन है। तो आप क्या करते हो कि आप कवर पेजेस को यूज़ करते हो क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्लियर। ये आपको बना के एमएस वर्ड के थ्रू मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से आके ओपन करके और जो आपको कवर पेज अच्छा लगे आप उसके ऊपर जाके क्लिक करें और वो कवर पेज इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अब मेरे पास सपोज ये न्यू पेज है, क्लियर है। इसके ऊपर एक कुछ डेटा लिखा हुआ है, डन। अब देखिए, हमारे पास एक ही पेज बना हुआ है। कितने पेजेस बने हुए हैं? एक ही पेज बना हुआ है। तो आप यहाँ पे अभी देख लो, और मैं यहाँ से आके जैसे इंसर्ट से जाके पेज ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक न्यू एम्प्टी पेज इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से आके ओके कर लें, देखें हो रहा है। आप यही काम कंट्रोल प्लस एंटर से भी कर सकते हो, देखें कंट्रोल प्लस एंटर से भी आप यही चीज़ कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एंटर आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको एक न्यू पेज मिल जाएगा, क्लियर। अच्छा, ब्रेक पेज से ये होता है कि अगर आप किसी पेज को बीच से स्प्लिट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से आके ब्रेक कर सकते हो। देखें उसने क्या किया कि वो जहाँ पे आपका कर्सर था उसके बाद का सारा डेटा लेकर वो दूसरे पेज पे जाके शो कर रहा है। तो आप ब्रेक पेज यानी कि आप एक पेज के एक डेटा को वहीं पे रहने देते हो और दूसरे डेटा को जहाँ से कर्सर आप रख रहे हो फिर वो डेटा दूसरे पेज पे आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास टेबल। तो हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं? यहाँ पे आ जाएं, इंसर्ट में जाएं और यहाँ से आके आपके पास प्रोवाइड करनी है टेबल। अब देखें, अगर आपको रोज एंड कॉलम्स यहाँ से ही सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ से आके आप सिलेक्ट कर लो। सपोज मुझे 3 रोज एंड 3 कॉलम की टेबल चाहिए तो मैं यहाँ से आके क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो एम एस वर्ड आपको एक बनी बनाई टेबल प्रोवाइड कर देगा, देखिए प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर। अब इसके अलावा दूसरा वे भी है आपके पास टेबल को इंसर्ट करने का। तो आप यहाँ से आके इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करें और अब यहाँ से आके आप डिफाइन कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए और कितने नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए। सपोज मैं चाहता हूँ 5 कॉलम और 5 रोज की मुझे एक टेबल मिल जाए, तो देखें प्रोवाइड हो रही है। इसके अंदर 5 कॉलम्स है और 5 रोज है, ठीक है। अच्छा, अब इसी टेबल को आप थर्ड वे से भी बना सकते हो। एक वे ये है कि आप इंसर्ट से जाके यहाँ से चूज कर लो जो कॉलम और आपको रोज चाहिए। दूसरा वे है कि इसके ऊपर क्लिक करके आप मैन्युअली प्रोवाइड करो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तीसरा वे है कि आप ड्रॉ भी कर सकते हो टेबल को,
यानी कि हम हर एक रो को और हर एक कॉलम को मैन्युअली ड्रा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आके आप ड्रा कर सकते हैं कि ये रो बन गया और आप इसी के अंदर कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हो। देखें हो रहे हैं जनने। ठीक है, तो आप ऐसे भी टेबल अकॉर्डिंग टू योर नीड आप जो चाहो जैसे चाहो कर सकते हो। हम ऐसे भी टेबल को ड्रा कर सकते हैं। ओके जी, अब हम टेबल को कैसे फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। सपोज ये मेरे पास टेबल है, आप इसके ऊपर क्लिक करो और आपके पास अब ये देखें, जैसे ही मैंने टेबल के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास दो टैब्स आ रहे हैं, डिजाइन और लेआउट। ये टैब्स अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक नहीं किया या किसी टेबल के ऊपर क्लिक नहीं किया तो आपके पास ये वाले टैब आपको शो नहीं होंगे। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हो कि ये टेबल के अकॉर्डिंग वो डिजाइन और लेआउट शो हो जाए तो आपको टेबल के ऊपर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही टेबल के ऊपर क्लिक करते हो देखें वो आ रहे हैं और यहाँ से आके आप कोई भी टेबल का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें रोज की आपके पास लाइंस नहीं आ रही तो आप इस टेबल के ऊपर क्लिक करें, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आके बॉर्डर्स दे सकते हैं। आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। देखिए अब पूरी टेबल के अंदर बॉर्डर्स आ रहे हैं। क्लियर है सबको? और यहाँ से आके आप टेबल का फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है जी, और फिर से आप बॉर्डर्स दे सकते हो। इवन आप ऑल बॉर्डर्स दे दो या लेफ्ट में सिर्फ बॉर्डर चाहिए तो सिर्फ लेफ्ट में आएगा, अगर आप चाहते हो सिर्फ राइट में चाहिए तो राइट में आएगा, अगर आप चाहते हो कि मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ से आके नो बॉर्डर करते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास लेआउट। अच्छा, लेआउट के अंदर आपके पास बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। यहाँ से आके आप इंसर्ट कर सकते हो कोई रो, इंसर्ट कर सकते हो कोई कॉलम, और उसके अलावा वो पूछ रहा है आपसे कि रो अबव इंसर्ट करनी है या बिलो करनी है। सपोज मैं यहाँ से आके पहले टेबल इंसर्ट करता हूँ, एक न्यू टेबल इंसर्ट करते हैं, डन है, ये हो गया। आपके पास कितने 5 कॉलम्स और 2 रोज की एक टेबल है। अगर आपको इसके अंदर कोई रो इंसर्ट करनी है तो आप लेआउट के अंदर जाएं और यहाँ से आके इंसर्ट अबव, यानी कि जहाँ पे कर्सर था उसके अबव एक रो इंसर्ट कर दो। क्लियर? वैसे ही अगर आप चाहते हो इंसर्ट बिलो, देखें इसके ही नीचे एक दूसरा रो इंसर्ट कर लेगा। इसके ऊपर क्लिक करें, देखें हो रहा है इंसर्ट। वैसे ही अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से आके बता सकते हो कि राइट में कॉलम चाहिए या लेफ्ट में चाहिए। तो अगर लेफ्ट में चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक कर दें और अगर राइट में चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। देखिए कॉलम इंसर्ट हो रहे हैं। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि मुझे 2 कॉलम्स को मर्ज करना है तो यहाँ से आके आप मर्ज, अच्छा मर्ज सेल्स भी है, स्प्लिट सेल्स भी है और आपके पास स्प्लिट टेबल भी है। तो मैं पहले आके क्या करता हूँ, मर्ज करता हूँ सेल्स को। सेल मकसद रोज के अंदर आप 2 या 3 सेल्स को मर्ज कर सकते हो। देखें हो रहा है मर्ज। क्लियर है? वैसे ही आप स्प्लिट कर सकते हो सेल को। सपोज मेरे पास एक ये सेल है ना, मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ना चाह रहा हूँ, स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखें हो रहा है, तो आप यहाँ पे आके ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हो। अच्छा, ऐसे ही आप इसी टेबल के अंदर अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएं और आप, ठीक है, अच्छा यहीं से ऑप्शन भी होता है, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आके आप इंसर्ट भी कर सकते हो, चाहे वो कॉलम हो या चाहे वो कोई रो हो। वैसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे पूरा रो क्यों ना हो, चाहे इंटायर रो हो, इंटायर कॉलम हो, या हम किसी एक सेल को भी कर सकते हैं और एक सेल को डिलीट करने के बाद शिफ्ट अप भी कर सकते हैं, शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये टेबल कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम इंसर्ट करते हैं इमेज इन और वेब पेज। तो आप यहाँ से आके इंसर्ट कर सकते हो इमेज, क्योंकि इंसर्ट का मेन्यू है ना, तो इंसर्ट के मेन्यू के अंदर आप कोई ना कोई इमेज इंसर्ट करते हो, कोई ना कोई टेबल, चाहे वो ब्लैंक पेज हो या आपके पास शेप, ये सारी चीजें। तो इंसर्ट का टैब है तो इसका मकसद ये होगा कि आप इसके अंदर ज्यादातर चीजें इंसर्ट करने वाले हो। ओके, तो मैं यहां से आके एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। ओके जी, तो आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आके इसको पिक्चर बताएंगे कि कौन सी पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है। तो मैं डेस्कटॉप से जाता हूँ
और कोई भी हम पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। सपोज दिस इज माय वेब चैनल लोगो, तो हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं, डन। अब इसी लोगो के या इसी इमेज के ऊपर आप जितनी भी इमेज की चीज़ें हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आके इसके ऊपर अगर कोई फॉर्मेट अप्लाई करना है तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि इमेज के कुछ डिज़ाइन हैं, यहाँ से आके आप कोई भी डिज़ाइन अच्छी लगे तो आप वो चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ओके जी। और सपोज मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूँ, क्लियर। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं इसके ऊपर यानी कि बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, पिक्चर के बॉर्डर, और उसका कोई कलर वगैरह भी होना चाहिए, तो आप यहाँ से आके कोई भी पिक्चर के बॉर्डर का कलर अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। वैसे ही आप पिक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ से आके कोई इफेक्ट भी अप्लाई कर दो। देखें बहुत सारे आपके पास इफेक्ट्स हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ से आके कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इफेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे हैं, प्रीसेट हैं, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एजेस है, बेवल है, उसके अलावा 3D भी है। तो आप ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो 3D हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आके आपको जो अच्छा लगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से आके पुट कर सकते हो, क्लियर है जी। ठीक है, सपोज मैं दिस वन अप्लाई कर देता हूँ, डन है। अच्छा, वैसे ही आप अगर चाहते हो कि पिक्चर के मुझे कलर चेंज करने हैं तो यहाँ से आके आप कोई भी कलर भी अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। वैसे ही करेक्टनेस करनी है तो यहाँ से आके आप करेक्ट भी कर सकते हो, जैसे हमारे पास फोटोशॉप वगैरह के अंदर होती है ना ये ऑप्शंस, एज इट इज़ आपके पास एमएस वर्ड के अंदर भी एक लिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। तो आप यहाँ से आके कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हो, जैसे आपके पास कैंडी क्रश, ये आपके पास होते हैं ना सेल्फीज़ वाले कैमराज, आप उसके अंदर एप्स के अंदर भी एडिटिंग करते हो, तो आप वही चीज़ें यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड एरिया के अंदर। वैसे आप कंप्रेस कर सकते हो इमेज को यहाँ से आके, ठीक है। और उसके बाद इसी पिक्चर की जगह पे आप यानी कि जितने भी मैंने इफेक्ट अप्लाई किए हैं ना, सिर्फ वो इफेक्ट अप्लाई होने चाहिए, लेकिन इसकी जगह पे एक दूसरी पिक्चर ऐड हो जाए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं वो। यानी कि आपको वो न्यू से इंसर्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ अप्लाइड सारी एनिमेशन के साथ आप दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर रहे हो, सिर्फ इमेज हट जाएगी और जो आपने चीज़ें अप्लाई की हैं वो वही रहेंगी। तो यहाँ से आके आप इंसर्ट कर लो, देखें जो भी मैंने चीज़ें अप्लाई की थी वही हैं, लेकिन आपकी सिर्फ पिक्चर चेंज हो गई। तो यहाँ से आके आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रीसेट पिक्चर से ये होता है कि आपने जहाँ से एडिटिंग शुरू की थी ना वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, देखें, क्लियर। तो आप यहाँ से आके ये सारी चीज़ें कर सकते हो, आप इसको रोटेट कर सकते हो यहाँ से आके, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना चाह रहे हो आपकी मर्जी है। वैसे हम पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से आके क्रॉप कर सकते हैं पिक्चर को, देखें, डन, और इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो आपकी पिक्चर भी क्रॉप हो सकती है, क्लियर है। आप इसको यहाँ से आके पोजीशन भी प्रोवाइड कर सकते हो कि आपको पेज के टॉप मिडिल में रखना है, सेंटर मिडिल में रखना है, या आपको, मैं आपको यहाँ से शो कर देता हूँ, आप यहाँ से आके पिक्चर को लेफ्ट सेंटर में, राइट टॉप में, या आप यहाँ से आके सेंटर, जहाँ पे जो पोजीशन या एग्जैक्ट पोजीशन होगी, आप वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी तो कर सकते हो ना इसको, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ये होता है कि आपको उस पिक्चर के ऊपर रेप टेक्स्ट अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ से आके आपने इस पिक्चर के ऊपर क्या अप्लाई करना है, रेप टेक्स, यानी कि आप जैसे ही इसको रेप टेक्स करोगे तो आप फिर ही पिक्चर को मूव कर सकते हो, अदरवाइज ये पिक्चर मूव नहीं होगी। तो व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई एनी पिक्चर देन यू हैव टू सेट रेप टेक्स्ट, या इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टैब आ जाता है ऊपर फॉर्मेट, अब यहाँ पे जाएंगे तो रेप टेक्स्ट है, इसके ऊपर जाके आपने अप्लाई करना है। अच्छा, अब आप इसी पिक्चर को बिहाइंड द टेक्स्ट शो करना चाह रहे हो या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो वो भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आके कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, देखें अब पिक्चर के अराउंड आ रहा है टेक्स्ट, क्योंकि हमने इसको टाइट किया हुआ ना पिक्चर को। अब मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट टैब में जाता हूँ और यहाँ से आके रेप टेक्स्ट अप्लाई करता हूँ। अच्छा, मैं जैसे ही रेप टेक्स्ट अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से आके मुझे सिलेक्ट करना है कि आपको जो है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखना है, यानी कि टेक्स्ट इसके पीछे आए इमेज के,
और अगर आप चाहते हो कि मुझे टेक्स्ट के पीछे रखना है, यानी कि इमेज टेक्स्ट के पीछे जाएगी, तो बिहाइंड द टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अब इमेज आपकी टेक्स्ट के पीछे है, टेक्स्ट पहले है। शायद मैं आपको इसका कलर, दोनों का ब्लैक है तो आपको इसी वजह से शो हो रहा है। मैं टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ वाइट, तो देखिए शो हो रहा है। इमेज बैकग्राउंड में है और आपके पास टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ इमेज है। क्लियर है जी? ओके। अच्छा, उसके बाद है इंसर्ट के अंदर, पिक्चर के बाद है हमारे पास क्लिप आर्ट। तो आप क्लिप आर्ट एडिट करते हो। क्लिप आर्ट एक्चुअली एक ऑलरेडी बनी बनाई इमेजेस होती हैं जो एमएस वर्ड की डिक्शनरी के अंदर पड़ी होती हैं। क्लियर है? तो आपने यहाँ पे आके, अच्छा, इंक्लूड बिंग कंटेंट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। और यहाँ से आके आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। इलस्ट्रेशंस चाहिए, फोटोग्राफ्स चाहिए, वीडियोज़ चाहिए या ऑडियोज चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे सारी चीज़ें सर्च करके दे दो। अब मैं यहाँ से आके सपोज़ किसी भी चीज़ की पिक्चर यहाँ से आके फाइंड कर सकता हूँ। अगर वो अवेल होगी तो आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे अभी हमने कार्टून की पिक्चर फाइंड की है तो आपको वो प्रोवाइड करके दे रहा है। मैं यहाँ से आके सपोज सर्च करता हूँ कंप्यूटर की पिक्चर, तो देखें अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर बहुत सारी पिक्चर्स आ रही हैं। क्योंकि कभी कभार हमारे पास वो इमेजेस नहीं होती जो हमें रिक्वायर होती हैं, या कभी कभार हमारे पास इंटरनेट ही अवेल नहीं होता। तो अगर इंटरनेट भी अवेल नहीं है तो आप यहाँ से आके अकॉर्डिंग टू, चलो लिमिटेड एक एरिया तक ही इमेजेस मिल सकती हैं, हाई लेवल की नहीं मिल सकती, लेकिन हमारा काम हो जाता है। सपोज मुझे रूम के लिए भी इमेज चाहिए तो यहाँ से आके मैं रूम की इमेजेस भी इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करो या राइट क्लिक करके यहाँ से आके इंसर्ट कर सकते हो आप। देखें इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अब वैसे ही आप इस पिक्चर को जब मूव करना चाह रहे हैं, देखें मूव नहीं हो रही, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आके रेप टेक्स्ट करना है। और ये ऑप्शन तभी आएगा जब पिक्चर के ऊपर क्लिक होगा। अब मैं पिक्चर के बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें वो फॉर्मेट वाला टेप नहीं आ रहा। तो इस पिक्चर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे देखें फॉर्मेट टेप आ रहा है। और यहाँ से आके आपको रेप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसको टाइट या स्क्वायर रख देना है ताकि आप उसको मूव कर सको। अब देखें वो मूव हो रही है। तो यही चीज़ आप राइट इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आके भी रेप टेक्स्ट कर सकते हो आप। क्लियर है सबको? ओके जी। उसके बाद है हमारे पास कि अगर आप, ये थे क्लिप आर्ट। अच्छा, क्लिप आर्ट के बाद है हमारे पास शेप्स। तो अब यहाँ से आके कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हो अपनी एमएस वर्ड की एप्लीकेशन या आपके पास उस पेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आके आप पहले आके ड्रा करो, डन। आपने वो, आपने डायग्राम ड्रा कर लिया, क्लियर है। और आपने, ठीक है, आपने करना ये है कि इस डायग्राम को आपने सिर्फ ड्रा करना है। यहाँ से आके चूज करना है, इंसर्ट से आके आपने डायग्राम को चूज करना है जो आपको डायग्राम चाहिए, और यहाँ से आके आपको उसको ड्रा करना है। क्लियर है? फिर आप जिस डायग्राम की यहाँ से आके डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हो तो अप्लाई कर दो। क्लियर? उसकी कलरिंग, उसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट भी लिखा है तो वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब शेप फिल, शेप फिल का मकसद होता है कि आप उसके अंदर कौन सा कलर अप्लाई करना चाह रहे हो, यहाँ से आके अप्लाई कर सकते हो आप। क्लियर है सबको? वैसे ही आप इसकी आउटलाइन, आउटलाइन का कलर यानी कि आपका जो बॉर्डर है उसका कलर आप चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर लो। वैसे ही अगर आप उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हो, जो हम इमेजेस के ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर रहे थे वो हम शेप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। क्लियर है सबको? अच्छा, वैसे ही आपके पास इसको एडिट करना चाह रहे हो शेप को, या इसकी जगह पे दूसरा शेप इंसर्ट करना चाह रहे हो, जैसे हम चेंज पिक्चर कर रहे थे वैसे ही हम चेंज शेप भी कर सकते हैं। क्लियर है? सिर्फ आपका शेप चेंज होगा लेकिन उसके ऊपर जितनी भी डिज़ाइन आपने अप्लाई की है वो आपकी वहीं पे ही रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। अच्छा, स्मार्ट आर्ट एक ऑलरेडी बनी बनाई शेप्स होती हैं जो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आके क्लिक करो और जो आपको अच्छी लगे यहाँ से आके स्मार्ट आर्ट चूज़ करो और ओके कर दो। क्लियर? फिर आपको यहाँ पे सपोज टेक्स अप्लाई कर देना है जो भी आप करना चाह रहे हो। सपोज मैं वन कर रहा हूँ, यहाँ पे आके टू, और यहाँ पे आके थ्री। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ें, यहाँ से आके आप कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो इनके अंदर, देखें, ठीक है जी। उसके अलावा ये आपके पास बनी बनाई एक स्मार्ट आर्ट है, क्लियर,
जो एमएस वर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं जिनको आप अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आके आप इसी एनिमेशन को देखें, इसके ऊपर क्लिक होना चाहिए। जैसे आप इससे क्लिक हटाओगे तो चीज़ें शो नहीं होंगी, क्लियर। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास वो चीज़ें शो हो जाएंगी। यहाँ से आके आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हो इसका, क्लियर है। आपको किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, इमेजेस ऊपर और टेक्स्ट नीचे। वैसे ही यहाँ से आके आप उसकी कलर्स, ये वो सारी चीज़ें, इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ से आके आप कोई भी कलर अप्लाई कर दो जो आपको अच्छा लगे, या मल्टीपल कलर्स चाहिए, सेम कलर्स चाहिए, इट्स अप टू यू के व्हाट यू वांट टू पुट ओवर देयर, क्लियर है जी। तो ये बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं जो एमएस वर्ड के अंदर अवेल हैं और आप यहाँ से आके अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है जी। आप फॉर्मेट के अंदर जाके यहाँ से कोई टेक्स्ट या इनके अंदर शेफिल जो कलर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से आके, देखें, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आके चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट की आउटलाइन अप्लाई करनी है, आउटलाइन का कलर अप्लाई करना है वो कर सकते हो। वैसे ही आप यहाँ से आके 3D इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो इनके ऊपर, देखें अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग स्मार्ट आर्ट। उसके अलावा आपके पास है, हम अप्लाई कर सकते हैं चार्ट। अच्छा, चार्ट आपके पास, जैसे ही आप चार्ट इंसर्ट करते हो, अच्छा जी, चार्ट आप लोगों ने देखे ना, वेदर वगैरह के चार्ट आते हैं, या जब क्रिकेट चल रही होती है तो हमारे पास स्कोर का रन रेट आ रहा होता है कि कितने ओवर से स्कोर लो जा रहा है, कितने ओवर से स्कोर हाई हुआ है, ठीक है, या कितनी विकेट्स जल्दी गिरी हैं। तो आपको एक चार्ट के अंदर आपको शो करते हैं, क्लियर है। वो चार्ट एक्चुअली कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, आप उसको ईजिली इंसर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग एमएस वर्ड या एक्सेल के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो इस चार्ट के ऊपर क्लिक करें और आप यहाँ पे आके जो भी चार्ट सेलेक्ट करोगे ना, आप सेलेक्ट करने के बाद जैसे ओके करोगे तो एमएस एक्सेल की एक शीट ओपन हो जाएगी। क्या ओपन हो जाएगा? एमएस एक्सेल की एक शीट। और आप इसके ऊपर क्लिक करें, देखें एमएस एक्सेल की एक शीट इंसर्ट हो गई और अकॉर्डिंग टू यूर शीट आपका वो यहाँ पे चार्ट भी बन चुका है, क्योंकि उसके अंदर एक डमी डेटा है। मैं यहाँ से आके डेटा चेंज कर लेता हूँ, सपोज पाक ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ये हमारे पास कुछ कंट्रीज हैं। और यहाँ पे आके मैं सपोज जो हमारी प्रोडक्ट सेल होती है ना, सपोज लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप हमारे पास पाक के अंदर कितने सेल होते हैं, वैसे ही सपोज टैबलेट्स हैं, आईफोन्स हैं, या उसके अलावा हमारे पास क्या है, सपोज हम डेस्कटॉप कंप्यूटर लगा देते हैं, ठीक है। और आप ठीक है, अब यहाँ से आके आप जैसे डेटा चेंज करोगे ना, अकॉर्डिंग टू योर डेटा, देखें आपका चार्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। सपोज ऐसे इतनी परसेंट होता है, इतनी परसेंट होता है, यहाँ पे इतनी परसेंट, कोई भी डमी डेटा प्रोवाइड करते हैं, इट्स अप टू यू। क्लियर। तो आप जैसे अब आपने क्या करना है कि जब आपका चार्ट बन गया या अकॉर्डिंग टू डेटा, आपने जो डेटा प्रोवाइड करना था कर लिया और यहाँ पे एक्सेल की शीट को कर देना है क्लोज, क्लियर। तो मैं एक्सेल की शीट को करता हूँ क्लोज। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेटा आपका चार्ट बन चुका है कि लैपटॉप्स जो सेल होते हैं, पाक का कलर है कौन सा, ब्लू, तो पाक के अंदर लैपटॉप इतने सेल होते हैं। सपोज ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेड कलर है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का देखो 70% तक सेल होते हैं, यहाँ पे 20 से अबव हैं थोड़े, क्लियर। वैसे इंडिया के अंदर 80% तक आपके पास लैपटॉप सेल होते हैं, क्लियर है सबको। तो हम ऐसे ही प्रोडक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आके आप चूज़ कर सकते हो अपना डायग्राम का शेप, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से आके आप इंसर्ट कर सकते हो ऐसे, क्लियर। वैसे ही हम चेंज कर सकते हैं अपने शेप को यहाँ से आके, देखें चेंज चार्ट टाइप, जैसे चेंज इमेज कर रहे थे, चेंज डायग्राम कर रहे थे या शेप कर रहे थे, वैसे ही हम चेंज यहाँ से आके चार्ट कर सकते हैं। यानी कि जितना भी डेटा है वो डेटा वही रहेगा जिसके थ्रू आपका ये चार्ट बना है, लेकिन उसकी जगह पे मैं सिर्फ चार्ट का टाइप चेंज कर रहा हूँ, तो आपका वो भी अप्लाई हो सकता है। देखें अब ये आपको ऐसे शो हो जाएगा, क्लियर है। और वैसे ही आप लेआउट के अंदर जाके, इसके बहुत सारे लेआउट हैं, यहाँ से आके आप चूज़ कर सकते हो। इवन इसके अंदर कोई और चीज़ें एडिट करनी है, गाइडलाइंस हैं, एक्सेस हैं, डेटा टेबल बनानी है, तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हो।
फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ से आके शेप फिल जो आपका ब्लैक कलर है अभी, आप वो भी चेंज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आके आप चूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? वैसे ही हम यहाँ से आके इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इफ़ेक्ट आप अप्लाई करना चाह रहे हो। क्लियर सबको? ठीक है, ये आपके पास उस शेप के इफ़ेक्ट्स हैं। क्लियर? तो हम ऐसे चार्ट को बना सकते हैं इन एमएस वर्ड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट के अंदर आप देखें, अभी मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन है, सही है? मैं यहाँ से क्रोम ओपन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जितनी भी एप्लीकेशन ओपन होंगी ना, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन करके रखे हैं या टैब्स ओपन करके रखे हैं, मैं यहाँ से इंसर्ट के अंदर जाके जैसे स्क्रीन शॉट के इस नीचे वाले ट्रिगर आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको सारी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देगा। क्लियर? तो इसके थ्रू आप डायरेक्ट जैसे पिक्चर का स्क्रीन शॉट लोगे तो आप वो आपका वो जो स्क्रीन शॉट है वो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। वरना हम क्या करते हैं, सपोज मुझे इस क्रोम का स्क्रीन शॉट लेना है, तो हम क्या करते हैं, विंडोज़ के स्निपिंग टूल से लेते हैं स्क्रीन शॉट, ठीक है। तो आपने यहाँ से आके न्यू करना है, फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको सेव करना है। देखिए कितना लंबा चौड़ा काम हो रहा है। इसको डेस्कटॉप के ऊपर सपोज मैं कर रहा हूँ टू इंसर्ट। अब आपने स्क्रीन शॉट बना के सेव किया, फिर आपने यहाँ से आके इंसर्ट में जाना है, फिर पिक्चर के थ्रू आपने उसको इंसर्ट करना है। क्लियर है? तो आप यहाँ से आके उसको इंसर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। वो हमने कहीं और सेव कर दिया, ये रहा, सही है, देखें। लेकिन यही काम आप जस्ट इन सेकंड कर सकते थे बाय यूजिंग स्क्रीनशॉट। तो मैं इसको करता हूँ डिलीट और आप इंसर्ट में जाएं और स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आके सिर्फ उसको बताएं कि आपको कौन सी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो आप सिर्फ जाके स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको जिस एप्लीकेशन का लेना है, अभी हमारे पास जो ओपन है ना, वो मैं उनका ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। देखें हमने वो फर्स्ट ओपन किया था। यहाँ से आके आप क्लिपिंग भी कर सकते हो डायरेक्ट, आपने सिलेक्ट करना है और जैसे आप इसको सिलेक्ट करके छोड़ोगे ऑटोमेटिक वो इंसर्ट भी हो जाएगा। देखें हो रहा है? क्लियर? तो आप या तो इंसर्ट में जाके ये जो आपको अवेल है एप्लीकेशन, इनके ऊपर जिस पे भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट इंसर्ट हो जाएगा, या अगर आप इनको इंसर्ट के थ्रू स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो खुद से, तो यहाँ से आके स्क्रीन क्लिपिंग, फिर जिस एप्लीकेशन को का आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसका जाके सिलेक्ट करके खुद आप इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, हाइपरलिंक आप क्यों अप्लाई करते हो? तो हाइपरलिंक हम इसीलिए अप्लाई करते हैं कि आपने सपोज देखा होगा कि जीमेल वगैरह आप अप्लाई करते हो तो उसके ऊपर हम जीमेल की लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, या अगर हम कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग हाइपरलिंक तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आके सपोज मैं लिखता हूँ क्लिक हियर टू ओपन दिस, ठीक है, कोई भी फाइल ओपन करना है। ये सिर्फ टेक्स्ट है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक अप्लाई भी कर सकते हैं या यहाँ से आके आप इसके ऊपर क्लिक भी कर लो, ठीक है। देखें शॉर्टकट की शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ से आके आपको बताना है कि आप कौन सी चीज़ ओपन करना चाह रहे हो बाय क्लिकिंग दिस टेक्स्ट। तो मैं यहाँ से आके वो फाइल बता देता हूँ जो मैं इसके ऊपर क्लिक करने से ओपन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से आके सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे वो पिक्चर ओपन हो जाए, सपोज डेस्कटॉप से, डेस्कटॉप से हम जाएंगे दिस वन, चलें पिक्स तो ऐड नहीं होगी। यहाँ से आके हम क्या करते हैं, कोई चलें ये वाला हम फाइल ओपन कर लेंगे। इवन हम कोई एप्लीकेशन का प्रोग्राम भी ओपन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ क्या करें एक फाइल ही ओपन करें, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आके वो प्रोवाइड करना है, ठीक है, फोल्डर। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, सपोज मुझे यहाँ से आके वही हम चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। देखें यहाँ पे किसी अगर आपको सॉफ्टवेयर को खोलना है तो हम उसको भी ओपन कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एक ये है टेक्स्ट, देखें अप्लाई हो गया। अब वो आपको कह रहा है कि कंट्रोल आपने कीबोर्ड से क्लिक करें और आप इसके ऊपर
क्लिक कर दो कंट्रोल के साथ। आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपके पास वो फाइल ओपन हो जाएगी। देखें अब वो आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न, तो आप उसको ओपन करना चाह रहे हो, क्या वो सेफ लोकेशन? तो हम कहते हैं यस, आप ओपन कर दो। देखें वो फाइल ओपन हो गई। तो आप क्या कर सकते हो, बाय अप्लाइंग हाइपरलिंक आप किसी फाइल, किसी प्रोग्राम या किसी भी आपके पास लिंक के ऊपर हम जा सकते हैं डायरेक्ट बाय यूजिंग एमएस वर्ड की हाइपरलिंक। क्लियर है? उसके बाद हम अप्लाई करते हैं बुकमार्क। अच्छा, बुकमार्क के अंदर ये होता है कि आप बुकमार्क के अंदर सपोज मेरे पास अभी तो है एक पेज, क्लियर, मेरे पास एक ही पेज है। मैं क्या करता हूँ, कॉपी और कंट्रोल प्लस एंटर के थ्रू दूसरा पेज और कंट्रोल प्लस एंटर के थ्रू तीसरा पेज बनाता हूँ और बिल्कुल लास्ट में, सबके लास्ट में मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ। सपोज या नहीं लिखते, इनके अंदर ही हम वर्ड्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके अप्लाई कर देता हूँ बुकमार्क। अच्छा, जब आपने कंट्रोल प्लस जी किया था ना, यानी कि गोटो, तो हम गोटो के थ्रू हम पेज पे जाते थे, क्लियर है। तो आप यहाँ पे आके देखो बुकमार्क पे भी हम जा सकते हैं डायरेक्टली। तो अच्छा, पेज के थ्रू हम क्या था कि डायरेक्ट किसी स्पेसिफिक पेज पे जा रहे थे, लेकिन बुकमार्क के लिए आप किसी भी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। गोटो के अंदर अगर आप पेज सिलेक्ट करते हो तो हम डायरेक्ट किसी पेज पे जाएंगे, लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर जाना है तो हम बुकमार्क को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आके किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लो, सपोज ये टेम्पलेट है, इसको मैं यहाँ से आके बुकमार्क कर सकता हूँ, इंसर्ट में जाएं और बुकमार्क कर लें, सही है। तो वो कह रहा है कि यहाँ से आके इसको ऐड करना है, तो आपने एज इट इज टेक्स्ट को लिखना है, क्या है, टेम्पलेट है, और यहाँ से आके ऐड कर देना है। तो ऐड हो चुका है। अब आपको मैं क्या करता हूँ, दूसरे पेज से भी कुछ और डेटा सिलेक्ट करते हैं, ये लुक है, मैं यहाँ से आके इसको भी बुकमार्क कर देता हूँ, सही है। तो आपको इसको, ये जो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इसको चेंज करें और वही वर्ड लिख दें जो आपने सिलेक्ट किया है, ऐड कर दें इसको भी, डन। और थर्ड पेज पे मैं कुछ और सिलेक्ट करके उसको बुकमार्क कर देता हूँ, ये डायग्राम्स हैं, सही है। मैं यहाँ से आके इसको भी बुकमार्क कर लेता हूँ, ठीक है, इसको अनसिलेक्ट करना है यहाँ और डायग्राम्स लिख के ऐड कर देना है, क्लियर है। अब ये तीन बुकमार्क्स ऐड हो चुके हैं, हमें कैसे पता चले कि बुकमार्क ऐड हुए हैं या नहीं? तो आप यहाँ से आके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 प्रेस कर लो। क्या प्रेस कर लोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। तो आप इसके थ्रू किसी भी बुकमार्क के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हो, क्लियर है। गो टू बुकमार्क, आप यहां से आके कंट्रोल शिफ्ट F5 प्रेस कर दो तो आपके पास वो बुकमार्क आ जाएंगे, देखिए आ रहे हैं। तो यहाँ से आप शॉर्टकट की के थ्रू भी जा सकते हो, यहाँ से आके इसके ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हो, डन है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखो यहाँ पे बुकमार्क हैं, तो आप इस बुकमार्क को यूज़ क्यों करते हो? तो अगर मुझे कंट्रोल प्लस जी के थ्रू गो टू करना है ना, तो मैं यहाँ से आके बुकमार्क के ऊपर सेलेक्ट करूँगा। देखें पहले पेज के ऊपर हम जाते थे कि कौन से पेज पे जाना है, फिर आप पेज नंबर प्रोवाइड करते थे कि सेकंड पेज पे जाना है, तो आप पेज पे डायरेक्ट जाते थे, देखें हम सेकंड पे आ गए। लेकिन अगर आपको जाना है किसी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर, तो हम उन वर्ड्स को करते हैं बुकमार्क और हम यहाँ से आके बुकमार्क के ऊपर सिलेक्ट करते हैं गोट से। तो आप यहाँ से आके किसी भी बुकमार्क के ऊपर जाना है तो उसके ऊपर क्लिक करो और गोट कर दो। तो देखें यहाँ पे आपको डायरेक्ट वहाँ पे लेके आ रहा है, क्लियर। वैसे मैं किसी और बुकमार्क पे जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से आके डायरेक्ट गोट कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज डायग्राम्स पे जाना है, क्लियर। तो किसी भी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर जाना है तो बुकमार्क हम यूज़ कर लेंगे, क्लियर। अगर आप किसी पेज के थ्रू जाना चाह रहे हो तो हम डायरेक्ट वो पेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे गो टू के अंदर, कंट्रोल प्लस जी प्रेस करते हैं हम गो टू, सही है, टू जंप एनी पेज और एनी वर्ड। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, अच्छा आपने वो जो अभी बुकमार्क ऐड किए ना, हम उनको यूज़ करके क्रॉस रेफरेंस भी लगा सकते हैं। देखिए हम कंट्रोल प्लस जी कर रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके कुछ ही वर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे नहीं करना, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिंक प्रोवाइड कर दूँ उन वर्ड्स के और डायरेक्ट हम यहाँ से ही क्लिक करें तो वहीं पे चले जाएं। अब क्रॉस रेफरेंस के अंदर ये था, ये भी वैसे ही आपके पास एज इट इज़ काम करेगा जो हम सपोज काम करते हैं उसके अंदर।
लिंकिंग के अंदर, सही है। तो लिंक के थ्रू हम कोई और फाइल या किसी और प्रोग्राम को ओपन करते हैं, यानी किसी और फाइल को ओपन कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर। लेकिन आपके पास क्रॉस रेफरेंस के अंदर ये होगा कि हम उसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज में मूव हो सकते हैं बाय क्लिक। हाइपर लिंक के अंदर भी क्लिक हम प्रोवाइड कर रहे थे, क्रॉस रेफरेंस के अंदर भी आपको टेक्स्ट होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जिस भी वर्ड के ऊपर जाना है तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं। क्लियर है? तो मैं यहां से आके क्या करता हूं, आपने यहां से आके क्रॉस रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है। अब वो आपसे कह रहा है कि नंबर्ड आइटम ऐड करने, हम कह रहे हैं नहीं, हमें इंसर्ट करने हैं बुकमार्क, यानी कि क्रॉस रेफरेंस जो देना है ना मुझे वो बुकमार्क के ऊपर देना है। आपने सिलेक्ट किया तो आपके पास जो तीनों बुकमार्क आपने किए थे वो शो हो रहे हैं। क्लियर? अब वो चाह रहा है कि बुकमार्क का टेक्स्ट ही लिख दूं, हम कहते हैं टेक्स्ट ही लिख दो। तो मैं यहां से आके इंसर्ट कर देता हूं, देखें एक ऐड हो चुका है। फिर इंसर्ट करते हैं दूसरा लुक, ठीक है, फिर तीसरा टेम्पलेट। क्लियर है? मैं यहां से आके क्लोज करता हूं। अब आप यहां से आके कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट डायग्राम्स में भी जा सकते हैं। देखिए आ गए हम यहां पे। क्लियर? अब आपको गो टू के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल के साथ किसी भी क्रॉस रेफरेंस के ऊपर क्लिक करो और आप डायरेक्ट आप वहां पे मूव हो जाओगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे कंट्रोल कीबोर्ड से और राइट क्लिक, देखें हम लुक पे आ गए जो आपने वर्ड सेलेक्ट किया था। अब आपने अगर ये भी प्रोवाइड करना है कि हर बुक मार्क के सामने हमें पेज नंबर भी शो हो जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। क्लियर है? या हम डायरेक्ट आके पेज नंबर भी शो कर सकते हैं इनके। क्लियर है? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी देखें जो ऐड किया है ना वो बुक मार्क टेक्स्ट अप्लाई किया है, मैं पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकता था। देखें वो पेज नंबर इंसर्ट हो रहे हैं ना, तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट जैसे क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ तो उस पेज के ऊपर भी जा सकता है वो। देखें देखें आ रहा है डायग्राम के ऊपर, लेकिन पेज कौन सा है हमारे पास, ये थर्ड पेज होगा। कौन सा पेज होगा? थर्ड नंबर पे। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हेडर एंड फुटर्स। तो हम एमएस वर्ड के अंदर किसी भी पेज के अंदर हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर्स एंड फुटर्स ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पेज के टॉप में आपके पास पेज नंबर या किसी सेंटर का लोगो या ऐसी चीजें आ रही होती हैं, तो वो हम हेडर के अंदर पुट कर लेते हैं ताकि वो आपको बार बार ऐड करने की जरूरत ना पड़े और वो हर पेज पे शो हो जाए। एक बार इंसर्ट करें और वो हर पेज पे शो हो जाए। तो अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है या कोई भी चीज लिखनी है तो इसके ऊपर लिखें, सपोज मैं लिख देता हूं यूबी टेक। क्लियर है? अब सपोज मैं यूबी टेक के लिए कोई बना रहा हूं तो आपने इंसर्ट में जाना है और हेडर के अंदर जाके यहां से आके टेम्पलेट चूज करना है, फिर आपको जो अच्छा लगे टेम्पलेट इंसर्ट कर लें। और आपने फिर जब भी आप न्यू पेज बनाओगे ना उसके ऊपर आपके पास ये शो हो जाएगा। तो यहां से आप वापस आ जाएं इधर, ठीक है जी, तो हम ये रहा। क्लियर? तो आप कंट्रोल प्लस एंटर के थ्रू जैसे ही न्यू पेज इंसर्ट करेंगे तो हर एक पेज पे आपके पास वो हेडर शो हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एंटर, देखें हर पेज पे शो हो रहा है। आप जितने भी पेजेस इंसर्ट करोगे हर एक पेज पे आपके पास शो हो जाएगा वो हेडर, एज वेल एज अगर आप फुटर भी ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ से आके आप फुटर का भी चूज कर लो। क्लियर है? और फिर आप यहाँ पे आके कोई भी टेक्स्ट लिखो, मैं अली लिख रहा हूँ, तो आपके पास वो हर पेज पे अली और विथ आपके पेज नंबर शो हो रहा है, क्योंकि वो टेम्पलेट जो हमने चूज किया उसके अंदर पेज नंबर भी शो हो रहे हैं। देखें और आपने यहाँ पे आके अली लिख देना है, ठीक है। बाहर क्लिक करते हैं हेडर के तो आपके पास वो हर एक पेज पे, देखें फुटर एज वेल एज आपके पास हेडर दोनों चीजें शो होंगी। क्लियर है? और विथ पेज नंबर, देखें पेज वन लिखा हुआ है और आपने जो नाम लिखा हुआ है वो भी शो हो रहा है। क्लियर है? इवन हम यहाँ से आके सिर्फ पेज नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, टॉप ऑफ पेज में शो करना चाह रहे हो, बॉटम ऑफ पेज में, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस न्यू करें, न्यू पेज पे जाते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट पे। क्लियर? मैं इसके अंदर कुछ पेजेस इंसर्ट कर देता हूँ। क्लियर है? ये तीन पेजेस हैं। अब मैं चाहता हूँ हर एक पेज पे मेरे पास पेज नंबर शो हो जाए, तो यहाँ से आके हम क्या करते हैं, पेज नंबर का जो भी फॉर्मेट अच्छा लगे क्लिक कर दो,
और आप यहाँ से आगे जैसे एंटर करोगे तो आपके पास हर एक पेज पे वो पेज नंबर शो हो जाएगा। आपने ज़्यादातर थीसिस वगैरह के अंदर देखा होगा ये पेज नंबर्स देना ज़रूरी हो जाते हैं। देखिए 1, 2, 3 क्लियर है। तो हम ऐसे पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं इन हेडर एंड इन फुटर। अच्छा, इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे टेक्स्ट हमारे पास बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजिशंस पे लोकेटेड होते हैं, यानी कि बिल्कुल कॉर्नर में, जैसे वो हम टेक्स्ट लिख नहीं पाते। उसके लिए मार्जिन बहुत ही हमारे पास लो रखने पड़ते हैं, पेज के मार्जिन हमें लेफ्ट से भी बहुत कम रखने पड़ते हैं और आपने टॉप से भी बहुत कम रखने होते हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो कि यहाँ से आके टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करो, फिर यहाँ से अगर कोई टेम्पलेट चाहिए तो वो भी चूज़ कर सकते हो आप। अगर आपको खुद से ड्रा करना है तो इंसर्ट में जाएं और यहाँ से आके आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करें और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, अपना खुद का एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर ले। मैं यहाँ से आके एक ड्रॉ कर लेता हूँ, सही है। और इसके अंदर मैं अपना जो भी डेटा लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, दिस इज मैट ठीक है जी। और ये टेक्स्ट मूवेबल होगा, आप इस टेक्स्ट बॉक्स को कहीं पे भी ले जा सकते हैं, क्लियर है। और आप उसकी जो लाइन आपको शो हो रही है ना, अगर आप इसके अंदर कोई कलर अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आके शेप फिल के अंदर जाएं और जो कलर अप्लाई करना है वो कर लें, क्लियर है। इवन इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आके टेक्स्ट फिल के ऊपर क्लिक करें और कलर जो भी टेक्स्ट का रखना चाह रहे हो वो भी आप रख सकते हो, क्लियर है। देखें टेक्स्ट का कलर है। अच्छा, वैसे ही आपकी आउटलाइन शो हो रही है ना, यानी कि उसका बॉर्डर, अगर आप उसको हटाना चाह रहे हो तो शेप आउटलाइन में जाएं और यहाँ से आके कर लो नो आउटलाइन, तो आपकी वो आउटलाइन भी शो नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने जो टेक्स्ट इंसर्ट किया है वो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू इंसर्ट किया है। तो आप इंसर्ट के अंदर जाके यहाँ से आके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लो, आपकी मर्जी है। या आपके पास शेप्स के अंदर भी एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, यहाँ से आके भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ड्रा कर लें, क्लियर है। तो जो अच्छा लगे, जहाँ से अच्छा लगे, आप वहाँ से जाके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें और ऐड करते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कुछ हैं क्विक पार्ट्स। तो आपके पास क्विक पार्ट्स क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी पेज के पार्ट्स हैं वो बने हुए हैं। जो हम यहाँ से कवर पेज इंसर्ट कर रहे थे ना, देखें वो पूरा कवर पेज बना हुआ था जिसके अंदर कंपनी नेम देखें और आपके यूज़र का नाम, ई और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड थी। अब आपके पास अगर क्विक पार्ट्स में जाते हो ना, तो जैसे आपके पास एक पूरी गाड़ी लेते हो वैसे आप यहाँ पे पूरा पेज इंसर्ट कर रहे हो, और आप उसके अगर स्पेयर पार्ट लेते हो अलग अलग से, जैसे उसके व्हील हो गए या उसके अलावा आप उसकी कुछ इंजन की चीज़ें अलग अलग से लेते हो, वैसे ही आपके पास इस पेज के अलग से पार्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ से आके आप कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाएं और यहाँ से आके आपको कंपनी का फ़ोन नंबर है, कंपनी नेम है, कंपनी एड्रेस है, आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन इसका फ़ायदा ये कि अगर आप इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हो ना, सपोज मैं लिख देता हूँ कि एपटेक है या यूबीटेक है, तो मैं इस टेक्स्ट के ऊपर जब भी क्लिक करूँगा तो मुझे हिंटिंग आएगी ये कंपनी है, क्लियर है। तो आपके पास ये बहुत ही अच्छे जो है फीचर्स हैं एमएस वर्ड के, क्विक पार्ट्स ये था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड आर्ट। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके पास कुछ एनिमेटेड टेक्स्ट होता है जो आप शो हो रहा होता है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो यहाँ से आके आप वो टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। इसके अंदर टेक्स्ट आप कुछ भी लिखते हैं, मैं यहाँ से लिख देता हूँ पाकिस्तान इज अ प्लेस ऑफ पीस, चले। अच्छा, अब आपने अगर इसको कहीं पे मूव करना है तो हम डायरेक्ट मूव भी कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें और जहाँ पे आपको उसको रखना है हम वहाँ पे इंसर्ट या उसको मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ से आके इसको अगर कोई कलर अप्लाई करना चाह रहे हो, यानी कि इसके अंदर, यानी कि उसके शेप के अंदर जो भी कलर अप्लाई करना चाह रहे हो, यहाँ से आके कलर भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही अगर आपकी इसकी जो आउटलाइन है उसके ऊपर, यानी कि जो लाइन आ रही है, इसका भी कलर अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्लियर। अगर आपको नहीं देनी तो यहाँ से आके नो आउटलाइन, क्लियर। तो आपने क्या करना है कि उसके अलावा, अच्छा, इफ़ेक्ट्स आपने देखा होगा कि स्कूल्स या कॉलेजेस के लोगोज जो बनते हैं वो हम लोगोज यहाँ से भी, जो हमारे पास कुछ बेसिक लोगोज होते हैं वेबसाइट वगैरह के तो नहीं, लेकिन इसके हम बना सकते हैं, क्लियर है। तो इसके ऊपर क्लिक करें और टेक्स्ट इफेक्ट्स में चले जाएं, और इसके अंदर बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होगा ट्रांसफॉर्म,
और यहाँ से आके आप लोगो सिलेक्ट कर सकते हो, क्लियर है, और आपको उस लोगो को जैसे पोजीशन में रखना है आप रख सकते हो। ऐसे आप उसको सेट करें और मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से आके डायरेक्शन दे देता हूँ, क्लियर है, डन। और देखें उस टेक्स्ट का कुछ शेडो शो हो रहा है यहाँ पे, मैं इस टेक्स्ट के शेडो को चेंज कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखें टेक्स्ट जो आपने फिल किया हुआ है ना उसकी कुछ शेडोज हैं, तो मैं यहाँ से आके टेक्स्ट इफेक्ट्स के अंदर जाके यहाँ टेक्स्ट फिल ले जो कलर चेंज कर देता हूँ, और आपने जो अप्लाई किया हुआ है टेक्स्ट के कुछ आउटलाइन शेडोज वगैरह हैं तो यहाँ से आके हम वो भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ से आके एक तो ये थी चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ से आके आपने लोगो तो अप्लाई कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, कुछ ज़्यादा टेक्स्ट प्रोवाइड करता हूँ ताकि वो इजीली आपके पास एडजस्ट हो जाए, क्लियर है। मैं यहाँ से आके इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट से जाके आपने वर्ड आर्ट के ऊपर जो भी आपको अच्छी लगे क्लिक करें, और मैं न्यू वर्ड आर्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, क्लियर है। तो आप इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे, वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आके आप इंसर्ट कर सकते हो वर्ड आर्ट, क्लियर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यूपी टेक एंड ठीक है, और यहाँ से आके आप इसके ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कौन सी, टैक्स इफेक्ट्स वाली, तो आप इसको एज अ लोगो इंसर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करें, मैं इसको थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, जैसे आप क्लोज करोगे तो वो ऑटोमेटिक लोगो के फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर है। और मैं यहाँ से आके और क्लोज करता हूँ, तो देखें वो लोगो के फॉर्म में आ चुका है, ठीक, और आप उसको एज अ लोगो यूज़ कर सकते हो, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आप सिग्नेचर लाइन, अच्छा सिग्नेचर लाइन से भी पहले आपके पास एक बहुत अच्छा फीचर है जो आप यूज़ कर लेते हो, जो आप पैराग्राफ के अंदर देख रहे होते हो बहुत बार, न्यूज़ वगैरह के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि फर्स्ट पैराग्राफ का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है, वो यहीं से आप इंसर्ट कर सकते हो, वो टेक्स्ट सेलेक्ट करें, यहाँ से आके आप इंसर्ट कर सकते हो, आपने न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के अंदर देखा होगा, क्लियर है। और आप इस अल्फ़ाबेट को जितना चाहें बड़ा या कम कर सकते हो, चाहे वो अकॉर्डिंग टू विड्थ हो या अकॉर्डिंग टू हाइट हो, क्लियर। अच्छा जी, ये कहलाता है ड्रॉप कैप, इसके अंदर दूसरे भी फॉर्मेट हैं वो भी चूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। अच्छा, उसके अलावा है सिग्नेचर लाइन, तो आप अपने वेब पेज के अंदर सपोज़ आप कभी कभार लेटर प्रिंट करते हो ना, तो लेटर प्रिंट कर रहा है कोई मैनेजर, तो मैनेजर की आप उस पर लेते हो लाइन साइन लेते हो आप, तो मैनेजर की साइन लेने के लिए आप सिग्नेचर पुट कर देते हो, तो यहाँ पे आके आप सिग्नेचर लाइन होती है बिल्कुल लास्ट में, तो मैं यहाँ से आके सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, तो आपको कह रहा है कि नहीं आप इसके लिए ऑनलाइन लें, नहीं हमें ऑफलाइन चाहिए, क्लियर। तो मैं यहाँ से आके उस बंदे का नाम दूंगा जिसकी सिग्नेचर हो रही है, क्लियर है, मैं देता हूँ क्लियर। उसके बाद आपको प्रोवाइड करना है कि उसकी पोस्ट क्या है, सपोज टीचर है, उसके अलावा ईमेल जो भी है आपके पास, ठीक है, आप सिग्नेचर के अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो तो आप दे सकते हो, मैं नहीं देना चाह रहा, ओके करते हैं। तो आपने जहाँ पे कर्सर रखा था वहाँ पे आपके पास वो पिक्चर सिग्नेचर ऐड हो चुकी है, देखें यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, उसके अलावा आपके पास जो आपकी पोस्ट है वो भी शो हो रही है, क्लियर है। आप इसको मूव करना चाह रहे हो तो आप राइट क्लिक करें या इसको मूव कर लें डायरेक्ट जहाँ पे रखना चाह रहे हो, पेज के बिल्कुल लास्ट में ज़्यादातर होती हैं सिग्नेचर, तो आप इसको रखते हैं बिल्कुल पेज के लास्ट में, यहाँ पे आगे रखते हैं, ठीक है जी, इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ये, देखें ये आपके पास एक सिग्नेचर ऐड होगी। अच्छा, वैसे ही हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से आके डेट एंड टाइम, तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर
कोई डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से आगे, क्लियर है। तो आप सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए डेट एंड टाइम, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, वो यहाँ से आके डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करूँगा। फिर आपको कौन से पैटर्न में चाहिए, फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ से आके ओके कर लें, क्लियर है। तो वेनसडे अक्टूबर 3, 2018। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से आके आप कोई ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल चाहिए या आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट का मकसद ये होता है कि अगर आपको बिटमैप इमेज चाहिए या एक्सेल की कोई शीट चाहिए तो हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सेल को भी ओपन कर सकते हैं, और आप वैसे जैसे बना के उस एप्लीकेशन को बंद करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे वो चीज़ इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं सपोज बिटमैप इमेज चाहता हूँ, इसके ऊपर ओके करूँगा, और इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, सपोज मेरे पास ये पेन टूल के अंदर बिटमैप इमेज बनती है, इसको जैसे क्लोज करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक्चर ऐड हो जाएगी, क्लियर है। वैसे ही आप यहाँ से आके कोई इक्वेशन सेंड करना चाह रहे हो मैथमेटिक्स की, हम कर सकते हैं, और वैसे ही आप कोई सिंबल ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ से आके हम मैथमेटिक्स की कोई सिंबल भी ऐड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं तक था और इंसर्ट टिप कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पेज लेआउट को कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।